भागलपुर जिले के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनारायणपुर थाना और बरारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को बरामद किया है। आपको बता दें कि भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर लगातार जिले के सभी थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ, अवैध हथियार एवं शराब की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसको लेकर कल देर शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बाईपास थाना क्षेत्र से एक ट्रक भर भारी मात्रा में शराब ले जाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी राज ने बताया कि पुलिस मुख्यालय मद्य निषेध विभाग के द्वारा भागलपुर पुलिस को सूचना दी गई है कि भागलपुर के रास्ते पंजाब से चलकर बरौनी एक ट्रक से अवैध शराब लेकर कारोबारी जा रहा है। इसके बाद भागलपुर पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए जिले के थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को बरामद किया है एवं चालक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल चालक से पूछताछ जारी है। कल भागलपुर पुलिस ने कुल तीन जगह पर शराब की बड़ी खेप बरामद किया है। जो पहला जगह है जो कि शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में है, इसमें पुलिस मुख्यालय की मद्य निषेध इकाई की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना दिया गया और उसमें बड़िया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया SDPO पैथी के नेतृत्व में, और इस टीम ने सूचना का सत्यापन करते हुए और घेराबंदी करते हुए एक ट्रक को सीज किया और जो विधिवत इसकी तलाशी ली गई तो इसमें से कुल 6358 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है तथा ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में, तो इसमें जो ड्राइवर हैं योगेंद्र सिंह, पिता प्रेमजीत सिंह, जो कि लुधियाना पंजाब के रहने वाला है, इनके द्वारा जो गाड़ी भी है जो पंजाब के नंबर है तो इसमें जो है गिरफ्तारी की गई है। और क्या इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, कौन शराब भेजा है और ये कौन रिसीव करने वाला था, जो हम लोग को प्रथम सूचना प्राप्त हुआ है इसमें ये गाड़ी जो है बरौनी जा रही थी और ये गाड़ी पंजाब से आई है और इसका जो रूट है रूट का भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किस रूट से इसने एंट्री किया है और बरौनी में इसको डिलीवर करना था, लेकिन कहाँ डिलीवर करना था इस संबंध में अभी अनुसंधान चल रहा है। सावन के महीने में कांवड़िया पथ पर अलौकिक और विहंगम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कई तस्वीर ऐसी है जिसमें माता पिता के प्रति समर्पण देखने को मिल रहा है। दरअसल जहानाबाद का चांदन अपनी पत्नी के साथ माँ बाप को वैद्यनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए बहंगी पर ले जा रहे हैं। बहंगी के अगले हिस्से को चंदन तो पिछले हिस्से को चंदन की पत्नी रानी ने पकड़ा है। साथ ही पूरे रास्ते परिवार के लोगों के साथ साथ अन्य श्रद्धालु भी साथ दे रहे हैं। कांवड़िया पथ पर लोग चंदन को कलयुग का श्रवण कुमार बता रहे हैं। वहीं जहां वह थककर रुकता है वहां भीड़ उमड़ जा रही है। कई लोग इन्हें देखने के लिए रुक जा रहे हैं और साथ ही तस्वीर भी लेते नजर आए। बताया गया कि चंदन दूसरी बार बहंगी पर अपने माँ बाप को लेकर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। आज उन्होंने सुल्तानगंज अजगैवीनाथ में जल भरा है। लेके जा रहे हैं अपनी सासू माँ, लेके जा रहे हैं तो अच्छे से लेके जा रहे हैं, कुछ भारी नहीं लग रहा है। 9 महीना माँ रखता है पेट में, वो कैसे पाल लेता है, उसी हम तो लेके जा सकते है ना। बहुत दिन से भोलानाथ जी जा रहे हैं, क्या कहिएगा अपने पुत्र को? सबका आशीर्वाद बढ़िया रहे, हरे पुत्र रहे। अच्छा, भोले बाबा से मिलने के बाद क्या मांगिएगा? सब भोला बाबा के जा रहे, बाल बच्चा का ध्यान अच्छा रखा, दवा खाए। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शाह मार्केट में मकान मालिक और किराएदार में किराए को लेकर काफी हंगामा हुआ। घटना के बाबत किराएदार रंजीत सिंह ने बताया कि शाह मार्केट का मालिक फकरे आलम हसन सभी दुकानदारों से हर साल पगड़ी की डिमांड करता है, नहीं देने पर किसी न किसी बात को लेकर दुकान खाली करने की धमकी दी जाती है और दुकान को सील कर दिया जाता है। कल उनका दुकान सील कर दिया गया और जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो मकान मालिक ने कहा कि पगड़ी का पैसा देना पड़ेगा। किराएदार ने बताया कि वे लोग इस मार्केट में 20 साल से दुकानदारी कर रहे हैं, ये दुकान वक्फ कमेटी का है और जब वक्फ कमेटी का दुकान है तो पगड़ी लेने का अधिकार फकरे आलम हसन को नहीं है। हालांकि उन लोगों का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इधर घटना के बाद रंजीत सिंह ने कोतवाली थाने को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली थाना की पुलिस ने मकान मालिक और किराएदार के बीच समझौता करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि पिछले महीने भी आलम हसन के द्वारा 5 दुकान को सील कर दिया गया था। वही मामले को लेकर शाह फकरे आलम ने कहा कि RPD रोड में 2 किराएदार मोहम्मद हुसैन एवं रामजीत सिंह
दुकान पर कब्जा किए हुए है, जिन पर लाखों का किराया कर्ज के रूप में बाकी है। दुकान जो है आरपी रोड में सैयद शाह इनायत हुसैन वक्फ 159 शाह मार्केट, उसके प्रीमाइसेस में दो दुकानें ऐसी हैं जिस पर रामजी सिंह और एमडी हुसैन, ये दो लोग अवैध तौर पर उस पर कब्ज़ा बनाए हुए हैं। उनको पहले वो दुकान अलॉट की गई थी आज से 20 साल पहले तकरीबन, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ मार्केट बनाया गया आरपी रोड में, आपने देखा होगा वहाँ दोनों तरफ नया कंस्ट्रक्शन हुआ है और बीच में ये दोनों दुकानें हैं। इनसे बहुत पहले से अनुरोध किया गया, नोटिस दी गई कि आप खाली कर दीजिए, चूँकि वहाँ जो है कंस्ट्रक्शन होना है और तकरीबन 15 दुकानें बननी हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी यहाँ के किसी भी अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया, किसी भी नोटिस पर कान नहीं धरा और अवैध रूप से ये कब्ज़ा बनाए हुए हैं। खुद इनका इनके ऊपर जो अब तक किराया बकाया है, हम समझते हैं 5-5 लाख रुपए इन पर बकाया है, और जो नुकसान यानी जो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया इनके अवैध कब्ज़े की वजह से, तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा की राशि है। तो परसों एक कार्रवाई करते हुए दुकान बंद की गई थी, लेकिन आज देखा गया कि तकरीबन संयोजित तरीके से 50 लोगों की भीड़ आई और उन्होंने दुकान को तोड़कर खोला बगैर किसी इजाज़त के, बगैर किसी नोटिस के। हम आए तो यहाँ देखा दुकान हमारा सील्ड किया हुआ है, अब फ़ोन किया ये हमको तो नहीं मालूम, पीछे भी मालूम है कि एक महीना पहले गुरुद्वारा में 4-5 दुकान को सील कर दिया गया। क्या कारण लग रहा है? क्या कारण है ये ज़बरदस्ती सबके साथ तंग किया जाता है खाली करने के लिए? मतवल्ली बोलता है कि खाली करो दुकान की, ये करो वो, ये गलत बहुत हजूर गलत है। हम लोग का रोजी रोटी इसी पर, घर भी इसी पर चलता है, बाल बच्चा भी इसी पर चलता है, ज़बरदस्ती हम लोग को तंग कर, हम लोग 25-30 साल से यहाँ रह रहे हैं। बिल्डिंग किया हुआ था? ना 25-30 साल से हम लोग इस दुकान में हैं। बिल्डिंग किया हुआ था? हाँ, दुकान में बिल्डिंग किया हुआ था जो अभी खुला। ग्यारह अगस्त को भागलपुर के सैंडस कंपाउंड में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर आज भागलपुर तैराकी संघ एवं जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर सैंडस कंपाउंड मैदान में समाप्त हुई। वहीं रैली में शहर के बुद्धिजीवी, एनसीसी के छात्र समेत कई समिति के लोग मौजूद थे। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि यह तैराकी प्रतियोगिता बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। वही उन्होंने शहरवासियों से ज़्यादा संख्या में प्रतियोगिता में शामिल होने का आग्रह किया। आज जागरूकता रैली है तैराकी के लिए, तैराकी प्रतियोगिता 11-8 को होने जा रहा है सैंडिस कंपाउंड के इसी स्विमिंग पूल में, और ये पहली बार भागलपुर में आयोजित हो रहा है और यह आयोजन हो रहा है भागलपुर तैराकी संघ, सहयोग कर रहा है जीवन जागृति सोसाइटी। मैं धन्यवाद देता हूँ तैराकी संघ को, हमें संरक्षक के रूप में हमें ये तैराकी जो है ये स्टैमिना बिल्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा यह है कि इससे स्टैमिना बिल्ट होती है। ये तैराकी ये सबसे अच्छी चीज़ है बॉडी को सबसे खूबसूरत शेप देने के लिए। जो बॉडी का सबसे खूबसूरत शेप होता है वो सबसे अच्छे तैराक का होता है। जो जितना अच्छा तैराक होगा उसका बॉडी का शेप उतना ही अच्छा होता है, स्टेमिना बिल्ट होती है। तो ये एक अच्छी पहल है कि भागलपुर में इस तरह का रैली का आयोजन करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 4 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने कोचिंग एवं लॉज संचालक के छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश के संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में हैप्पी आनंद, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुणाल पांडे, जिला संयोजक रोहित राज, नगर मंत्री गौतम साहू शामिल हैं। वहीं उन लोगों ने सामूहिक रूप से कहा कि छात्रों की भविष्य को देखते हुए उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से दिल्ली की घटना घटी है यह दुखद है, ऐसी घटना भागलपुर में ना हो इसके लिए आज जिलाधिकारी के समक्ष अपनी बातों को रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि अविलंब इस पर जांच कमेटी बैठा कर कार्रवाई की जाएगी।
पिछले दिनों जो दिल्ली में घटना घटी है, ये घटना काफ़ी दुखद और काफ़ी अंदर से विचलित करती है। तो भागलपुर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है, आसपास के कई ज़िले के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो अपनी मानक को पूरा किए बिना अपना कोचिंग चला रहे हैं। वहाँ पे ना तो फायर सेफ्टी की व्यवस्था है, और कई ऐसे कोचिंग संस्थान जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जिनमें भीड़ की काफ़ी ज़्यादा स्थिति देखने को मिलती है। कई बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और जब वो निकलते हैं तो काफ़ी गैदरिंग होता है, जिस कारण से अगल बगल के जो सड़क होते हैं वो जाम हो जाते हैं और लोग भी वहाँ पर परेशान रहते हैं। आगे कोई अप्रिय ऐसी कोई घटना ना घटे हमारे भागलपुर में, तो इसको लेकर के हम लोग DM साहब से एक आग्रह किए हैं कि जो भी मानक बिहार सरकार के द्वारा तय किया गया है उस मानक को जो कोचिंग पूरा करती है, जो कोचिंग पूरा नहीं कर रही है उस पर कार्रवाई करते हुए उचित दिशा निर्देश प्रदान करें। दूसरा एक और विषय है कि भागलपुर में कई ऐसे लॉज हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं, वो तो पढ़ने लिखने के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन लॉज के अंदर चोरी की, लूट की, बच्चों को लॉज के अंदर जा कर के धमकी की कई ऐसी घटनाएं हम लोग के सामने आ रही है। तो हम लोगों ने ये भी इस मांग उठाया कि लॉज में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लॉज ओनर ले, वो अपने लॉज के अंदर CCTV कैमरा लगाए, लॉज के अंदर एक सुरक्षा गार्ड रखे जो कि बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए अपना पढ़ाई करें। श्रावणी मेला के 9वें दिन कच्ची कांवड़िया पथ से बाबा धाम मंदिर तक केसरिया रंग में रंग गया। कांवड़ियों के द्वारा कांवर में महाकालेश्वर स्थित भोलेनाथ के मंदिर की आकृति एवं प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल कच्ची कांवड़िया पथ में कलकत्ता के हुगली से आए ऋषड़ा कांवड़िया संघ के द्वारा 10 लोगों के जत्थे के साथ लाए गए उज्जैन के महाकालेश्वर धाम मंदिर का स्ट्रक्चर कच्ची कांवड़िया पथ में शिव भक्तों को आकर्षित कर रही है। को लेकर कच्ची कांवड़िया पथ में कलकत्ता के अभिजीत बम ने बताया कि हम लोग पिछले 2 साल से जा रहे हैं। पिछले साल वे लोग तारकेश्वर धाम का कांवड़ लेकर गए थे और इस बार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का कांवड़ लेकर जा रहे हैं। इस कांवड़ को बनाने में 20 दिन लग गए हैं और इसे बनाने में 30,000 रुपए खर्च हुए हैं, जिसका वजन 150 किलो है। महाकालेश्वर का मंदिर है, उनका भव्य रूप है, वही हम लोग थीम के टाइप से लेके जा रहे हैं। कितने सालों से लेके जा रहे हैं आप? ये हम लोग 2 साल से लेके जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग तारकेश्वर पे जाते थे, तारकेश्वर धाम होगा वहाँ पे हुगली में है। अच्छा, तारकेश्वर वहाँ पे जाते थे। तो अभी 2 सालों से यहाँ पे स्टार्ट किया ना, पिछले साल 18 फुट का टावर लेके आए थे, तो इस बार सोचा थोड़ा अलग करने का, क्योंकि सब तो कुछ ना कुछ लेके आते ही हैं, तो हमने भी सोचा कलकत्ता से हम भी कुछ लेके चलते हैं। कितने महीना लगे थे इनको बनाने में? इसको बनाने में तकरीबन 20 दिन लगे हम लोग को। क्या खर्चे आप ले रहे होंगे इसका? तकरीबन अप्रॉक्स 30,000 लग गए हम लोग।